अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। व्यूअर्स, 7 मरला हाउस फॉर सेल, बहरिया फेज 8, उमर ब्लॉक, जिसकी डिमांड है 265। बहुत ही खूबसूरत हाउस बना हुआ है। अगर हम स्ट्रीट की बात करें तो 40 फीट की इसकी स्ट्रीट है। इस साइड से भी आप स्ट्रीट देख सकते हैं। अगर इस साइड पर मैं आता हूँ तो फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो टोटल राक वर्क किया गया। यहाँ पर आपको इस साइड पे बहरिया के लाज के मुताबिक गार्डन मिल जाता है। गेट की बात करें तो जो इसका गेट है मेटल का गेट बना हुआ है। व्यूअर्स, जो ही मैं इंटर होता हूँ हाउस में तो आपको यहाँ पे एक बड़ी कार, आप बिग कार खड़ी कर सकते हैं कार पोर्च में। ऊपर खूबसूरत सीलिंग आपको मिल जाती है, खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। इस साइड पर आपको इसकी गैलरी मिल जाती है। व्यूअर्स, ये हाउस डबल यूनिट हाउस है। इस साइड पे आपको इसका मतलब डोर नज़र आ रहा है, मेन डोर। इस साइड पे आपको ड्राइंग रूम, मेन डोर से जो ही मैं इंटर होता हूँ, इंटर होते ही ऊपर खूबसूरत सीलिंग में जो आपको लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। इस साइड पे आपको इसका फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स मिल जाती हैं। इस साइड पे आपको इसका एक पाउडर रूम के साथ ही इस साइड पर आपको टीवी लॉन्च। मैं टीवी लॉन्च में जो ही इंटर होता हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं खूबसूरत सीलिंग में, सीलिंग के साथ खूबसूरत दोनों साइड पर शैंडिलियर इस्तेमाल की गए हैं। सेंटर में एक फ़ैन इंस्टॉल किया गया है। सामने आपको यहाँ पे इसका मीडिया वॉल इंस्टॉल मिल जाती है। इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सामने ड्राइंग रूम में हम जो ही इंटर होते हैं इधर टीवी लॉन्च की साइड से, तो ऊपर खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। सामने विंडो आपको बिग साइज मिल जाती है और यहाँ पर आपको इसका डोर मिल जाता है जो बाहर से आप इंटर होते हैं। स्पेस की बात करें तो काफ़ी स्पेस यहाँ पे दी गई है। ये सामने टीवी लॉन्च का एरिया, तो साथ ही यहाँ पे आपको इसका किचन मिल जाता है। किचन की बात करें, बहुत ही खूबसूरत किचन बना हुआ है। अच्छी स्पेस यहाँ पे दी गई है। इंटर होते ही किचन में आपको एक लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको खूबसूरत लाइट्स मिल जाती है। सामने हम जो इंटर होते हैं यहाँ पे आपको इसका बर्नर हुडी इंस्टॉल है। केबन की बात करें, ऊपर वाली केबन ऑफ वाइट कलर में और नीचे वाली केबन आप देख सकते हैं, मतलब कलर डिफरेंट है। नीचे टाइल की बात करें तो टाइल मास्टर की टाइल इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब इसमें आप बर्तन वगैरह रख सकते हैं। इस साइड पे आपको विंडो और ऊपर एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है किचन में। किचन की बात करें तो किचन यहाँ पे ओपन दिया गया है। तो साथ ही मैं इसके, ये आप देख सकते हैं दो आपको जो डोर नज़र आ रहे हैं बेडरूम में इंटर होता हूँ। इंटर होते ऊपर खूबसूरत सीलिंग दी गई है, लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। सामने आपको एक विंडो इंस्टॉल मिल जाती है। इस साइड पे आपको फुल हाइटेड कबर्ड इंस्टॉल मिल जाती हैं। इस साइड पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर आपको वॉल में खूबसूरत डिज़ाइन मिल जाता है। इस साइड पर आपको ये कबर्ड्स के साथ ही आपको यहाँ पे डोर मिल जाता है, सॉरी वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम में ऊपर आप देखते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं एक एग्जॉस्ट फैन विंडो इंस्टॉल की गई है। टाइल की बात करें, फुल हाइटेड टाइल इस्तेमाल की गई है। इस साइड पे आपको इसका मिरर इंस्टॉल मिल जाता है। शावर एरिया इसका सेपरेट कर दिया गया, वेंटी इंस्टॉल है और इस साइड पर आपको इसका कमोड इंस्टॉल मिल जाता है। स्पेस की बात करें तो स्टैंडर्ड स्पेस दी गई है। अभी मैं आपको ले चलता हूं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की तरफ मैं आता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पे टीवी लाउंज की मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल के साथ ही ये दो डोर आपको नज़र आ रहे हैं। ये इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में जो ही इंटर होता हूँ यहाँ पर आपको इसकी विंडो इंस्टॉल मिल जाती है। इस साइड पर आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स इंस्टॉल मिलती हैं। अगर कबर्ड्स की हम बात करें तो बहुत अच्छी कबर्ड्स बनी हुई हैं, वुड की कबर्ड्स बनी हुई हैं। वुड ये आप कह सकते हैं कि अभी जो शीट इस्तेमाल हो रही है वो शीट है, मतलब ये खालस वुड आप नहीं कह सकते कि सिर्फ वुड इस्तेमाल नहीं की गई इसमें ना। तो इस साइड पे इसका वाशरूम है। वाशरूम की तरफ मैं आता हूँ तो यहाँ पर आपको इसका शावर एरिया मिल जाता है और इस साइड पर आपको इसका विंडो इंस्टॉल मिल जाती है। यहाँ पे आपको इसका कमोड इंस्टॉल मिल जाता है, वेंटी और ऊपर मिरर इंस्टॉल। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे काफी स्पेस दी हुई है। तो व्यूअर्स, अभी मैं आपको ले चलता हूं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये वो डोर जहां से हम इंटर हुए थे, मेन डोर ये, साथ ही यहां से आप ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं। यहां से इस गेट को अगर आप, इस डोर को आप क्लोज करती हैं तो आपका ये सेपरेट डबल यूनिट हो गया।
अभी जो ही मैं एंटर होता हूँ स्टेयर्स पे ग्रेनाइट यूज किया गया, साइडों पे आप देख सकते हैं वुड इस्तेमाल की गई है। वुड के साथ आप देख सकते हैं ऊपर मतलब खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। जो ही मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होता हूँ, ये इसका टीवी लॉन का एरिया आप सामने देख रहे हैं, मीडिया वॉल आपको मिलती है ऊपर, फैन, खूबसूरत सीलिंग की गई है, लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है इस साइड पे। यहाँ पे आप इसका मतलब ये सामने जो आपको ओपन स्पेस मिलती है इस साइड पे, इसका दो बेडरूम है। इस साइड पे आपको इसका किचन, सबसे पहले मैं आपको किचन का व्यू करवाता हूँ। किचन आप देख सकते हैं, किचन में ऊपर ये साइड पे जो केबन है, खूबसूरत केबन बनी हुई है, और बर्नर यहाँ पे इंस्टॉल है, हुड यहाँ पे इंस्टॉल है। एक साइड पे यहाँ पे सिंक के ऊपर आपको विंडो मिल जाती है, बाहर गैलरी में जाने के लिए डोर दिया गया है। केबन की बात करें तो आप देख सकते हैं केबन और ऊपर और नीचे वाली केबन में थोड़ी चेंजिंग की गई है। मैं आपको थोड़ा ये आप देख सकते हैं सिंक के यहाँ पे आपको सिंक मिल जाता है, यहाँ पे आपको बर्तन वगैरह रखने के लिए इसकी केबल मिल जाती है। तो व्यूअर अगर हम किचन की बात करें, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सामान जो भी यूज़ किया गया अच्छा यूज़ किया गया। तो मैं अभी ले चलता हूँ आपको इसके बेडरूम की तरफ। इस साइड पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको इसके बेडरूम मिलता है। बेडरूम में जो ही इंटर होता हूँ सामने आपको विंडो इंस्टॉल मिल जाती है, और इस साइड पे ऊपर खूबसूरत सीलिंग लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, फैन इंस्टॉल है। अगर हम डोर की बात करें तो यहाँ पे जो डोर इस्तेमाल किए गए हैं सॉलिड डोर इस्तेमाल किए गए हैं, वुड के बहुत अच्छे डोर बने हुए हैं। तो साइड इस साइड पे आपको इसका वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम की बात करें तो ऐसे लगता है जैसे हम मतलब कनार के घर में इंटर हो गए हैं। सामने आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन, विंडो, और इस साइड पे शावर एरिया। यहाँ साथ ही आपको इसका कमोड इंस्टॉल मिल जाता है, इस साइड पे आपको इसकी वेंटी मिल जाती है, और साथ मिरर। तो व्यूअर्स ग्राउंड पे दो बेडरूम है और फर्स्ट पे इसके थ्री बेडरूम है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की तरफ जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने लाइट है, और लाइट मतलब ओपन स्पेस यहाँ पे छोड़ी हुई है, ये बेडरूम का एरिया। जो ही हम बेडरूम में इंटर होते हैं आपको यहाँ पे इस बेडरूम में सामने विंडो मिल जाती है। इस साइड पे आपको फुल हाइटेड कबर्ड इंस्टॉल मिलती हैं, ऊपर सीलिंग आप देख सकते हैं खूबसूरत सीलिंग, और लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस साइड पे आपको इसका डोर मिल जाता है। तो साथ ही यहाँ पे इस साइड पे मैं आता हूँ तो आपको यहाँ पे इसका वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे इतनी स्पेस दी गई है कि बहुत मतलब ऐसे लगता है जैसे किनार के डाल इंटर हो गई है। तो मैं आपको भी ये आप देख सकते हैं इसका कमोड इंस्टॉल है। टाइल की बात करें तो यहाँ पे फुल हाइटेड टाइल इस्तेमाल की गई है। इस साइड पे आपको इसकी वेंटी मिल जाती है, वेंटी के साथ आपको ऊपर मिरर इंस्टॉल मिल जाता है। टाइल आप देख सकते हैं फुल हाइटेड टाइल इस्तेमाल की गई है, बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पे दी हुई है। तो व्यूअर्स अभी मैं आ गया हूँ उसके थर्ड बेडरूम की तरफ। यहाँ पे आपको थर्ड बेडरूम मिल जाता है, सामने आपको बिग साइज विंडो इंस्टॉल मिलती है, ऊपर खूबसूरत सीलिंग, सीलिंग में मुख्तलिफ लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, वॉल पे साइडों पे खूबसूरत दो लाइट्स दी गई हैं। इस साइड पे फुल हाइटेड कबर्ड इंस्टॉल की गई हैं, कबर्ड इस कैबिन में इंस्टॉल की गई हैं, वो वॉल के साथ प्लेन है, मतलब बिल्कुल बाहर नहीं निकली हुई। वॉशरूम में जो ही हम इंटर होते हैं सामने आपको विंडो इंस्टॉल मिल जाती है, कबर्ड्स मिल जाती है, सॉरी ऊपर एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है। इस साइड पे आपको कमोड इंस्टॉल मिलता है। अगर हम इसके शावर एरिया की बात करें तो आपको सेपरेट शावर एरिया यहाँ पे मिल जाता है। इस साइड पे आपको इसका मिरर इंस्टॉल मिल जाता है, वेंटी इंस्टॉल मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत हाउस बना हुआ है। जो दोस्त इस घर का विजिट करना चाहेंगे वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप दोस्तों को इसका विजिट करवा दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।